हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी, AM AIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण शाख, महाजन एवं देसी बैंकर्स, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक परिभाषा ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति के द्वारा दिया गया है, उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। शाख पे एक बहुत ही सुंदर परिभाषा ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति के द्वारा दिया गया है। कहा गया है कि शाख कृषि को उसी प्रकार सहायता पहुंचाती जिस प्रकार फांसी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी, यानी शाख को यानी भारतीय किसान के लिए जो शाख प्रोवाइड कराया जाता है, शाख का मतलब ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो किसानों के लिए उसी समान है जैसे ये जल्लाद की रस्सी और फांसी पे लटकते हुए व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं शाख कृषि को उसी प्रकार सहायता पहुंचाती है जिस प्रकार फांसी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी, ये ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति की एक रिपोर्ट है, वो इतना खतरनाक इस शाख को बताया है। लेकिन फिर भी हमें बिना इसके काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्रामीण शाख का महत्व क्या है। आपको मैं बता दूं कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है, गांवों में रहती है। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है गांव में रहती है, और गांवों के जो जनसंख्या है उनके रोजगार का जो साधन है वो क्या है, वो कृषि है। एक चीज़ और बता दें, कृषि है, क्योंकि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका दूसरे नंबर पे है, चीन एक नंबर पे है। तो इस तरह से भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे है, भारत गांवों का देश है और अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में कृषि किया जाता है। उनकी आय का, उनके रोजगार का जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांव में जनसंख्या अधिक है और जो कृषि है यानी जो जोत का आकार है वो बहुत कम है। तो इस तरह से हम जोत के आकार को बढ़ा नहीं सकते, यानी हम कृषि भूमि के आकार को बढ़ा नहीं सकते हैं और जनसंख्या को हम इतना जल्दी कम भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अत्यधिक जनसंख्या के लिए हमें उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर जनसंख्या अगर आपकी बढ़ती जा रही है, ये जनसंख्या आपकी बढ़ती जा रही है तो आपको उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे पास जो जोत का आकार है यानी जो कृषि का आकार है, कृषि जो क्षेत्रफल है हमारा, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पूंजी की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी, हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और गांव के किसानों के पास पूंजी की बहुत कमी है और इसी शाख को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण शाख की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रामीण शाख का महत्व, यानी गांव में शाख का क्या महत्व है, कि लोन का क्या महत्व है, ऋण का क्या महत्व है, तो आपको हमने इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से भारत में शाख उपलब्ध कराने वाली जो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं वो है देसी बैंकर्स हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं। ये लोग कम समय में बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के किसानों को ऋण उपलब्ध करा देते हैं, जिसके वजह से किसान बैंकों से वंचित हो जाते हैं। तो इसी पहलू पे ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट की एक
ज़रूरत है कि गांव के किसानों को कम से कम समय में बिना फॉर्मेलिटीज के कैसे ऋण उपलब्ध कराए जा सके। यहां तक गवर्नमेंट काफ़ी हद तक वहां पर तक पहुंच गई है और ये सारी सुविधाएं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी उपलब्ध करा रही है। तो इस तरह सकते हैं ग्रामीण साख का महत्व। अब एक चीज़ और बता दें कि ग्रामीण साख की आवश्यकता, इसको भी जरा हम ध्यान देख लेते हैं, यानी गांवों में साख की आवश्यकता किस तरह के लिए पड़ता है। तो देख सकते हैं कि एक उत्पादक ऋण है, एक अनुत्पादक ऋण है। तो दोनों को हम समझा दें आपको क्या है। उत्पादक ऋण वो ऋण होता है जब हम कोई कर्ज किसी व्यक्ति से लेते हैं और उसके उत्पादन कार्य में लगाते हैं, यानी उस ऋण से कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है, उसी को हम उत्पादक ऋण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फसल के लिए ऋण लेते हैं या छोटे मोटे उद्योग धंधे के लिए ऋण लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उत्पादक ऋण। और एक अनुत्पादक ऋण जो नॉन प्रोडक्टिव फाइनेंस होता है, जहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई फाइनेंस नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल व्यक्ति या किसान या कोई भी संस्था केवल प्रोडक्शन के लिए ही फाइनेंस प्राप्त करता है, ऋण लेता है, उसके साथ शादी विवाह है, मरण जीवन और अनेक प्रकार के सामाजिक संस्कारें हैं जो इन संस्कारों में काफ़ी खर्चे लगते हैं और जिनके कार्यों के लिए वो पैसा ऋण के रूप में इन संस्थाओं से प्राप्त करता है। तो गांव में रहने वाले बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके घर शादी है, विवाह है, या किसी की मृत्यु भोज है, या कोई बीमार पड़ गया है, या उपभोग कार्यों के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अनुत्पादक ऋण लेता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उत्पादक ऋण के अंतर्गत उत्पादन कार्य किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्पादक ऋण और इसको बोलते हैं अनुत्पादक ऋण। तो इसको हम आपको तीन भागों में बांटे हैं, इसको हम समझा दें। पहले उत्पादक ऋण को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, यानी शॉर्ट पीरियड फाइनेंस और मिड पीरियड फाइनेंस और लॉन्ग पीरियड फाइनेंस, तीनों को हम आपको एक एक करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड होता है वो 12 माह से 15 वर्ष, यानी एक वर्ष से 15 महीने के लिए जो किसान ऋण लेता है उसको हम बोलते हैं अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट पीरियड फाइनेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसान जो है कीटनाशक दवाओं के लिए, नहीं पहले तो खाद की हम बात करते हैं, उसके बाद हम बीज की बात करते हैं, उसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, उसके बाद निराई की बात करते हैं, गुड़ाई की बात करते हैं, कीटनाशक दवाओं की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य भी किसान के होते हैं जिसके लिए वो फाइनेंस यानी ऋण लेने का काम करता है। तो आप जान गए कि अल्पकालीन ऋण 12 से 15 माह की अवधि के लिए किसान लेता है, वो क्या करता है, खाद के लिए, बीज के लिए, निराई के लिए, सिंचाई के लिए, गुड़ाई के लिए, कीटनाशक दवाओं के लिए एवं कुछ उसके ऐसे आकस्मिक कार्य हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए किसान 12 से 15 महीने के लिए जो ऋण लेता है। और फसल कटने के बाद यानी जैसे ही उसका फसल कट जाता है वो क्या करता है, बैंक को पैसा फसल बेच करके भुगतान कर देता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड फाइनेंस यानी अल्पकालीन ऋण, समझ गए होंगे आप। दूसरा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं मध्यकालीन ऋण क्या होता है, मिड पीरियड फाइनेंस क्या होता है, उसको भी हम जान लेते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, यानी ऐसे इसमें जो किसान होता है 15 माह से 5 वर्ष के लिए, उसको जोड़ देते हैं हम, 15 माह से 5 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण प्राप्त करता है। इसमें क्या करता है, जैसे किसान
पशुओं को खरीदने के लिए, क्योंकि किसानों को पशु जो है उनकी आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। दूध का प्रोडक्शन करके, गाय का प्रोडक्शन करके, बकरियों का प्रोडक्शन करके वो अपनी आय जनरेट करते हैं, जिससे अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनके भी पास बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पशु कृषि या ऐसे हम कह सकते हैं यानी पशुओं के लिए भी लेते हैं और कृषि यंत्र के भी लिए लेते हैं और मेड़बंदी के भी लिए लेते हैं या छोटे मोटे जो यंत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए हल हुआ, कुदाल हुआ या कल्टीवेटर हुआ, छोटा मोटा यंत्र जो कम पैसे में वो काम चल जाए। तो इस तरह से जैसे क्या करते हैं, कभी कभी उनको रकवा बंदी भी कराना पड़ता है। बड़ा बड़ा मेड़बंदी, अगर उनके पास 5 एकड़ का भूमि है तो चारों तरफ से मेड़बंदी करा देते हैं। मेड़बंदी कराने का मतलब जिसको रकवा ऊंचा मिट्टी लगवा देते हैं, उस पर पेड़ लगवा देते हैं, जिसमें एक छोटी सी एक लागत आती है। उस लागत के लिए सिर्फ मैं रकवा की जिक्र किया तो 5 वर्ष के लिए फाइनेंस प्राप्त करते हैं। और जैसे ही इनके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं वो क्या करते हैं, बैंक को पैसा क्या करता है, किसान रिटर्न कर देता है। इसी को हम बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। तो हम कह सकते हैं मध्यकालीन ऋण वो होता है जो 15 से 5 वर्ष के लिए लिए होता है और किसान पशु को क्रय करने के लिए या पशुओं में वृद्धि करने के लिए या कृषि यंत्र के लिए, जो कृषि मद में जो यंत्र मद में कुछ पैसे खर्च होते हैं, जैसे छोटे मोटे यंत्र होते हैं, हल हुआ, कुदाल हुआ, फाल हुआ और कल्टीवेटर हुआ, छोटा थ्रेसर हुआ, पंपिंग सेट हुआ, इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे यंत्र जो होते हैं और रकवा बंदी के लिए, जैसे चारों तरफ से मेड़बंदी कराना हो, उसमें वृक्षारोपण कराना हो या उसमें अन्य कुछ तरह से तकनीकी उनको कुआं खोदवाना है, तो इस तरह से 5 वर्ष के लिए जो फाइनेंस प्राप्त करते हैं उसी को हम बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। अब नेक्स्ट आपको मैं समझा देता हूं लॉन्ग पीरियड फाइनेंस में क्या होता है। इसमें क्या होता है, 5 वर्ष से 20 या 25 वर्ष के लिए जो किसान है वो बैंक से क्या करता है, ऋण लेता है यानी दीर्घकालीन ऋण। इसमें क्या होता है, कृषि भूमि को अस्थाई सुधार के लिए या कुछ पैतृक ऋण होता है उसका भुगतान के लिए या भूमि खरीदने के लिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पैतृक ऋण होता है यानी जो हमारे पिताजी के पिताजी ने ऋण ले रखा हो या हमारे पिताजी ने ऋण ले रखा हो, तो उस ऋण को भुगतान के लिए किसान क्या होता है 5 से 20 से 25 वर्ष के लिए ऋण लेता है या भूमि सुधार के लिए भी वो ऋण लेता है या बड़े यंत्र खरीदने, जैसे मान लीजिए बड़ा थ्रेसर हुआ, ट्रैक्टर हुआ, टाली हुआ और कंबाइन मशीन हुआ, और इस तरह से मान लीजिए उसको ट्यूबवेल लगवाना हो, बहुत बड़ा पोखरा खुदवाना हो जिससे वो मान्य व्यवसाय भी कर सके, तो इस तरह से यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसान के लिए होते हैं वो 5 वर्ष से 20 या 25 वर्ष के लिए जो ऋण प्राप्त करते हैं उसी को हम बोलते हैं मतलब लॉन्ग पीरियड फाइनेंसिस के अंदर। हमने बताया कि पैतृक ऋण का भुगतान करना हो, भूमि की अस्थाई सुधार करना हो या जमीन खरीदना हो या जो भूमि खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बड़े कृषि यंत्र में ट्रैक्टर टाली, बड़ा थ्रेसर या हम कह सकते हैं कल्टीवेटर या उसमें हम यह भी कह सकते हैं कि कंबाइंड मशीन और भी अनेक आधुनिक तकनीकी से संबंधित कुछ कृषि यंत्र आ रहे हैं उसके लिए 20 से 25 वर्ष के लिए वो फाइनेंस प्राप्त करता है। या बड़ा तालाब खुदवाना हो या बड़े पोखरे खुदवाने हो या कुआं खुदवाना हो या ट्यूबवेल लगवाना हो, तो इन सब कार्यों के लिए जो किसान फाइनेंस प्राप्त करता है, बैंक से ऋण प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड फाइनेंस। तो इस तरह से हमने देखा, उन उत्पादक को हमने समझा दिया था कि गाँव में रहने वाले किसानों को किस तरह के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है और वो ऋण किस मद में कैसे खर्च करता है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे स्रोत,
यानी कहाँ से वो प्राप्त करता है ऋण, कृषि ऋण के स्रोत जो देसी बैंकर्स हैं, सरकारी बैंकर्स हैं, उसका हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सहयोग करें, ताकि इस लॉकडाउन में उसका वो आनंद, उसका लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।